Welcome back again, and we have one numerical from your textbook. Okay, this is illustration 7.1. Okay, अभी textbook के जो question मैं करवाऊंगा उसको मैं illustration बोलूंगा, पीछे के होंगे हम उसको क्या बोलेंगे, exercise question. Okay, आपको क्या दिया गया, the following concentration were obtained for the formation of NH3 from N2 and H2. Remember, कोई भी equilibrium का numerical solve करना है, you need the reaction. और उन्होंने इस बार रिएक्शन खाली वर्ड्स में बता दिया, तो हमें सबसे पहले रिएक्शन फॉर्म करना जरूरी है. दे सेड दे आर फॉर्मिंग NH3. फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम वेयर? फ्रॉम इज योर रिएक्टेंट, दैट इज N2 गैस. ओके, याद रखना, ये तो बहुत कॉमन रिएक्शन है, हेबर प्रोसेस है, बहुत बार यूज किया गया है. तो याद रखो, N2+3H2 क्या मिलेगा, 2NH3. अच्छा, आगे मैं बढ़ू उससे पहले एक चीज आपको जरा वापस रिकैप करके बता देता हूँ. हम इसकी बात कर रहे थे, आपके पास हमेशा ये जो ग्राफ होता है, हम यहाँ पे लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में, जब टाइम की बात करेंगे, बिगिनिंग में आपके पास खाली रिएक्टेंट होता है एंड प्रोडक्ट धीरे धीरे प्रोड्यूस होता है. एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है. तो यहाँ पे तीन फेज है जो हमारे लिए काफी काम के, उसको हमें जरा सा मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से तीन फेज है. एक फेज आपको ये वाला मिल रहा है जहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है. ओके, एक फेज ये है कि जहाँ पे इनिशियली हमने रिएक्शन को चालू किया था. याद रखना, इन तीनों को हमें समझना बहुत जरूरी है. कोई भी रिएक्शन चालू करते हो, एक इनिशियल फेज होता है कि रिएक्शन चालू किया गया तब क्या था. एक फेज आता है इक्विलिब्रियम, एंड जो तीसरा फेज है वो इन दोनों के बीच वाला, मतलब ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ. जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा था तब क्या हो रहा है, ओके, ड्यूरिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हाट इज हैपनिंग. एस्टैब्लिश ऑफ इक्विलिब्रियम में दो चीज होती है, आपके पास जो रिएक्टेंट होता है वो यूज होता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है, एंड प्रोडक्ट जो होती है वो धीरे धीरे प्रोड्यूस होती जाती है. हमको ये तीन फेज पता होने चाहिए, इनिशियल क्या हो रहा है, ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, एंड एट इक्विलिब्रियम क्या है. क्योंकि जैसे कि अगर हमें ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमारे पास, ओके, जो एक्सप्रेशन मिलेगा फॉर दिस रिएक्शन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 होल स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 होल क्यूब. ओके, आप प्रोडक्ट यहाँ पे पहले लिखोगे, नीचे रिएक्टेंट लिखोगे, एंड उसके जो कोएफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ पे 3 है तो उसको आप यहाँ पे पावर में लिखोगे, यहाँ पे 2 है तो आपने यहाँ पे 2 को पावर में लिखा. देन यू नो हाउ टू राइट, आपको वो समझ में आ रहा है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कौन से कॉन्सेंट्रेशन लिए जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. क्योंकि हमारे पास जो भी कई सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जहाँ पे ये तीनों फेज इन्वॉल्व होंगे, जहाँ पे ये तीनों फेज इन्वॉल्व होंगे, इनिशियल, ड्यूरिंग एंड एट इक्विलिब्रियम. हमेशा याद रखना, ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम एट इक्विलिब्रियम वाले ही कॉन्सेंट्रेशन डालेंगे. We'll make it in habit कि यहाँ पे हमेशा इक्विलिब्रियम वाले ही कॉन्सेंट्रेशन डाले जाएंगे. तो आपको ये क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली दे दिया गया, एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 was this, H2 was this and NH3 was this. सीधा डाला गया तो सीधा उसको यूज कर लेते. NH3 का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया गया था 1.2 इंटू 10^-3, करेक्ट, -2, ओके, -2 माफ करना, होल स्क्वायर. N2 का कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया गया 1.5 10^-2 -2, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दिस इज गिवन टू यू 3 इंटू 10^-2 -2 होल क्यूब. यहाँ पे आप देख सकते हो 3 इंटू 10^-2 -2, तो उसको मैंने यहाँ पे ले लिया. अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो काफ़ी सिंपल सा हो जाएगा, 1.2 का जो स्क्वायर है दैट बिकम्स 1.44. ओके, तो 1.44 10^-2 -2 का स्क्वायर बन जाता है -4, ये है 1.5 10^-2 -2, 3 का क्यूब होता है 27 इंटू 10^-2 -6. अगर आप उसको सोल्व करते तो 0.0355 इंटू 10^-4 आने वाला है, और वी में राइट इसको 355. अच्छा, एक चीज ये मैंने सिखाई, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज सीखनी होती है कि इसका यूनिट क्या है. हमारी टेक्स्ट बुक इसके साथ डील नहीं करती, बट लेट मी एक्सप्लेन यूनिट. यूनिट के लिए
अगर आप केसी फाइंड करोगे तो केसी का यूनिट हमेशा मोलारिटी में मिलेगा, बिकॉज सब कॉन्सेंट्रेशन किसमें हमने ले रखे, मोलारिटी में। एंड अगर आप केपी फाइंड करोगे तो किसमें मिलना चाहिए, बार में, बिकॉज सब कुछ हम किसमें डील करते हैं, प्रेशर में। अभी हम केसी बात करें तो इसका यूनिट मोलारिटी में आता है, लेकिन मोलारिटी सीधा आप नहीं लिख सकते हो, मोलारिटी के ऊपर पावर लिखना है। कैसे लिखना है मैं समझाता हूँ। आप न्यूमरेटर की टोटल पावर देखो, यहाँ पे 2 है और डिनोमिनेटर का पावर कितना है, 3 + 1 = 4 है। तो आपको करना क्या है, ओके, रफ फर्क में कर लेने का, न्यूमरेटर का पावर दैट इज 2 माइनस, ओके, 2 - 4 डिनोमिनेटर का पावर, 2 - 4 करोगे आंसर आया -2, मोलारिटी रेस टू -2। हमेशा क्या करोगे, कोई भी सम हो, न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर, ओके, आपको 3 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। जैसे कि अभी एक वैल्यू आपको मिली नेगेटिव वैल्यू, तो आप यहाँ पे लिख दो -2। एक वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव इंटीजर, तो आप यहाँ पे सपोज किसी रिएक्शन में +2 आया, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, +2। और किसी में क्या होगा, दोनों पावर इक्वल होंगे, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, किसी सम में ऐसे होंगे, उस टाइम पे वो क्या हो जाएगा, 0। एंड मोलारिटी रेस टू 0 मतलब वो यूनिटलेस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। तो ये सम के अंदर वो कैसा है, ओके, इट हैज ए पावर। तो हम ये एक सम करने वाले, मैं दूसरा सम भी आपको बता रहा हूँ, एक ही मिनट जरा रुकना। एक काम करना है आपको, ये न्यूमेरिकल आपको ये तो लिखना ही है, बट साथ साथ में एक काम करेंगे, हम टेक्स्ट बुक में से एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, 7.2। अगर आप टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में देखते हो, उन्होंने पूछा हुआ है, व्हाट इज द केसी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2, O2 एंड SO3 आर सो सो एंड सो। आपको ये तीन चीज दी गई है, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा चीज आपको करना है, ओके, इसके लिए आपको ये जो रिएक्शन दिया गया है, आप लिखोगे गिवन रिएक्शन, क्या दिया हुआ है, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स यू 2SO3 गैस। विल यू बी एबल टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ केसी फॉर दिस, केसी का एक्सप्रेशन लिख सकते हो आप, आई थिंक सो, यस, आई टोल्ड यू सो, यू शुड बी एबल टू राइट डाउन। एंड आफ्टर राइटिंग दैट एक्सप्रेशन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ SO2 O2 एंड SO3। तो आपको ये करना है, बराबर है कि नहीं, उसके बाद में और एग्जाम देखने वाला हूँ, पहले आप लिख लो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय लेक्चर केमिस्ट्री विद आशीष अरोड़ा। टुडे वी विल कंटिन्यू फॉर द लास्ट टाइम, आई डू बिलीव कि हम लोगों ने रिलेशनशिप डिराइव की थी बिटवीन केपी एंड केसी, उसके बेस पे थोड़े से न्यूमेरिकल करते हैं हम। देखो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, एक्सरसाइज का नहीं है ये, इलस्ट्रेशन है, प्रॉब्लम 7.3। दे सेड PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम एज आई वाज एक्सप्लेनिंग यू, वी नीड टू नो द कॉन्सेंट्रेशन कौन सी जगह पे दिया गया है, इनिशियली, ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम और एट इक्विलिब्रियम। ये कहाँ पे दिया गया, उन्होंने लिखा है एट इक्विलिब्रियम, एट 500 केल्विन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ 1.59 मोलारिटी फॉर PCl3, 1.59 मोलारिटी फॉर Cl2 एंड 1.41 मोलारिटी फॉर PCl5 फॉर दिस रिएक्शन एंड कैलकुलेट केसी। उन्होंने कैलकुलेट केसी दिया है आपकी बुक के अंदर, मैं एक्स्ट्रा चीज ऐड कर देता हूँ, कैलकुलेट केसी एंड केपी, हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट केसी एंड केपी, ठीक है। देखो यहाँ पे गिवन रिएक्शन आपके पास जो है वो काफी सिंपल सा है, PCl5 गैसियस फॉर्म में LH से गिव्स यू PCl3 एंड Cl2 गैस, ओके। उसके अंदर उन्होंने बताया जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ था एट इक्विलिब्रियम, PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन हमें बताया गया है इट्स 1.41 मोलारिटी एंड PCl3 एज वेल एज Cl2 बोथ ऑफ देम दे आर 1.59 मोलारिटी एंड एज वी यूज केसी का फॉर्मूला, केसी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 दैट्स इक्वल टू 1.59 इंटू 1.59 डिवाइडेड बाई 1.41। अगर आप इसको सोल्व करते हो आई थिंक सो इट शुड कम 1.79, ओके। मैंने आपको इसका यूनिट कैसे फाइंड करते सिखाया कि नहीं सिखाया, ओके, जरा हम सीखेंगे इसका यूनिट कैसे फाइंड करना है।
बहुत ही सिंपल सा है, जब भी आप केसी फाइंड करते हो तो केसी का यूनिट हमेशा मोलारिटी में फाइंड करेंगे, किसमें फाइंड करेंगे, मोलारिटी। उसके बाद आपको क्या देखने का, यहाँ पे न्यूमरेटर में टोटल पावर कितना है, न्यूमरेटर में टोटल पावर देखते हो तो इट इज 1+1, कितना पावर आ रहा है, 2, एंड डिनोमिनेटर में कितना है, 1। न्यूमरेटर के पावर में से डिनोमिनेटर का पावर सब्ट्रैक्ट करो तो न्यूमरेटर हैज 2 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना मिला आपको, 1। तो ये पावर आपको यहाँ पे लगाना है मोलारिटी रेस टू 1, मोलारिटी रेस टू 1। इस तरीके से नहीं लिखते, खाली मोलारिटी लिख दिया तो आपको क्या मिल गया, मोलारिटी रेस टू 1। तो इसका यूनिट 1.79 मोलारिटी आएगा। आर यू अंडरस्टैंड, नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट केपी। केपी फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है केपी इक्वल्स टू केसी आरटी रेस टू डेल्टा एन जी, वेयर डेल्टा एन जी आपके पास मिलता है एनपी माइनस एनआर। डेल्टा एन जी क्या मिलेगा आपके पास, एनपी माइनस। प्रोडक्ट साइड अगर गैस के मोल्स देखते हो तो इसका 1 है, इसका भी कितना है, 1, और रिएक्टेंट साइड पे भी कितना है, 1। तो टोटल प्रोडक्ट साइड पे था आपके पास 2, प्रोडक्ट साइड पे आपके पास था 2 माइनस 1, तो डेल्टा एन जी मिला 1। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, ये मिला 1.79, आर की वैल्यू है 0.08314, टेम्परेचर आपके पास 500 केल्विन दिया गया है। अगर आप न्यूमेरिकल के अंदर देखते हो रेस टू 1, आप इसको कैलकुलेट करो 74.285, ये करेक्ट आंसर है। और इसका यूनिट आएगा बार में, केपी का यूनिट हमेशा किस में आएगा, बार में। और याद रखना इसका पावर भी जैसे मोलारिटी का पावर 1 हुआ था तो सेम बार रेस टू कितना लिखना पड़ेगा आपको, 1। तो ये मिला केपी। हाँ जी बेटा, ओके, आई थिंक सो कैलकुलेशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक है, 74.4 बार जितना आ रहा है आपके पास अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हो तो, बराबर है कि नहीं। तो ये आपके पास एक सम मिला। इसके बाद हमें करना क्या है, एक्सरसाइज में से भी दो सम मैं आपको दे रहा हूँ, 2 मीटर की मैं आपको दे देता हूँ। सी आई वुड लाइक यू टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन, ओके, आप इसको लिखोगे और जैसे ही लिख लो उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में से सॉल्व करने हैं। 7.5 में से जरा देखोगे आप यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के सी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया व्हेन द वैल्यू ऑफ के पी, आपको के पी दे दिया गया है और फाइंड क्या करना है, के सी। तो उसके अंदर काफी सिंपल सा है, यहाँ पे आपको के पी दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है, खुद करना है, खाली एक ही चीज का ध्यान रखना, ओके। हमारे पास ये आएगा, हम के पी इक्वल टू ये फॉर्मूला था के सी इंटू आर टी रेस टू डेल्टा एन जी, देर फोर के सी इक्वल टू के पी अपॉन आर टी रेस टू क्या करना है, डेल्टा एन जी। आपको ये दोनों सोल्व करने हैं खुद, ओके, उसके बाद मैं आपके इसका आंसर दे रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए और लिखिए ये क्वेश्चन को, आपका आंसर आप लोगों ने सोल्व किए होंगे, इसके आंसर आपके आने चाहिए। पहले का आंसर आपको कितना मिल रहा है केसी का, 4.3 × 10⁻³ मिलना चाहिए। दूसरे का आंसर मिलना चाहिए आप, अगर आपका आंसर ये आता है तो सही है, केसी इक्वल टू 4.3 × 10⁻⁴, और दूसरे के लिए केसी इनका आपको 1.87। चलो अभी हम और एक न्यूमेरिकल करते हैं आपकी एक्सरसाइज में से, सॉरी माफ करना, आपके इलस्ट्रेशन में से, प्रॉब्लम 7.4। दे सेड वैल्यू फॉर केसी इज 4.24 × 800 केल्विन, केसी आपको दे दिया है उन्होंने पहले से, सीओ गैस, H2O गैस, CO2 गैस एंड H2O गैस, ये एक रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, CO+H2 एंड गिव्स यू CO2+H2। एंड क्वेश्चन में ये पूछा गया, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ CO2, H2, CO एंड H2O एट 800 केल्विन इफ ओनली CO एंड H2O आर प्रेजेंट इनिशियली एट 0.10 मोलारिटी। नाउ ये क्वेश्चन जरा समझने जैसा है, जब भी एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि कोई भी रिएक्शन होता है इक्विलिब्रियम में हमें 3 पार्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है, इनिशियली आप क्या कॉन्सेंट्रेशन था आपके पास, देन फाइनली
इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तब कितना कॉन्सेंट्रेशन है, थ्री स्टेजेस होते हैं, इनिशियल, एट इक्विलिब्रियम एंड ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। तो जरा यहाँ पे देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन आपको जो दिया गया था इसका रिएक्शन ये है। पहले तो रिएक्शन क्या दिया गया आपको, CO gas reacts with H2O gas gives you CO2 gas plus H2 gas। आपको हमेशा जानते रहेंगे दिया क्या है आपको ये क्वेश्चन के अंदर, उन्होंने ये दिया है बेटा कि इनिशियली दे स्टार्टेड द रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ CO एंड H2O। रिएक्शन चालू किया तो इन दोनों से ही चालू किया था, दैट मीन्स शुरुआत में ये दोनों जीरो थे, शुरुआत में ये दोनों कैसे थे, जीरो थे। एंड व्हेन वी स्टार्टेड द रिएक्शन इनिशियली वी हैड 0.1 मोलारिटी ऑफ दिस, 0.1 मोलारिटी ऑफ दिस एंड दिस टू वे जीरो। एंड व्हाट दे आर आस्किंग एट इक्विलिब्रियम आपको पूछा गया इसमें से कितना यूज हो गया है और ये कितना बाकी रह गया है, CO कितना यूज हो गया और कितना बाकी रह गया है H2O, और कितना ये प्रोड्यूस हुआ है, कितना H2 एंड CO2 प्रोड्यूस हुआ है। दे आर सेइंग कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल फोर। सो हमें यहां पे वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहां पे वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा एक स्टेप हम करेंगे। मैं आपको बताया हम ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम क्या हुआ उसको यूज करेंगे। लेट्स से यहां पे रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं एंड प्रोडक्ट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। अगर आप ध्यान से यहां पे देखते हो तो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 CO प्लस 1 H2O है, इसके भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने, 1 1। उससे हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि सपोज अगर ये x मोलारिटी यूज होता है CO तो H2O भी x ही होगा, हमेशा यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके प्रोपोर्शन में होगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो किसी इक्वेशन में तो यहाँ पे आप 2x लिख सकते थे, अगर यहाँ पे 3 होता तो आप कितना लिखते, कितना यूज हुआ। सिंस दे हैड इक्वल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट्स व्हाई बोथ ऑफ देम दे यूज इन इक्वल प्रोपोर्शन एक्स एंड एक्स, एंड यहां पे भी कोएफिशिएंट इक्वल है तो ये दोनों भी जो प्रोड्यूस हो रहे वो भी कितने हो रहे, एक्स एंड एक्स, करेक्ट नॉट। एंड व्हेन वी कम ओवर हियर रिएक्टेंट यूज होते थे एट इक्विलिब्रियम कितना बच गया, 0.1 माइनस एक्स, ये भी कितना बच गया आपके पास 0.1 माइनस एक्स, ये है एक्स ये है एक्स, क्योंकि ये प्रोड्यूस होते थे 0 प्लस एक्स करने का तो फाइनल एक्स मिलेगा, 0 प्लस एक्स करने का तो फाइनल कितना मिलेगा एक्स। ओके नाउ हमारे पास ये फॉर्मूला है Kc इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन रिएक्टेंट अपॉन सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट था CO2 एंड H2 एंड रिएक्टेंट है CO एंड H2O, सबका पावर भी कितना आने वाला है 1, बिकॉज सबके कोएफिशिएंट कितने 1। ओके Kc की वैल्यू हमें दी गई है, ओके क्वेश्चन की शुरुआत में ही अगर आप क्वेश्चन की शुरुआत देखते हो दे सेड Kc इज 4.24, तो उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। Kc वॉज गिवन टू अस 4.24, CO आपके पास प्रोड्यूस हुआ है वो है X, CO2 X है, H2 भी X है, CO जो यूज हुआ और बाद में बच गया वो 0.1 माइनस X, करेक्ट है ना। तो आपके पास यहाँ पे मिलता है ये 4.24, ये मिला X square, 0.1 माइनस X square। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ये पूरे इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करो, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फॉर्म में कन्वर्ट करो इक्वल टू जीरो, एंड देन इसके रूट्स फाइंड करो बाय यूजिंग द रूट डेल्टा करके एक मेथड ये है।
बट यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर इस साइड पे स्क्वायर है तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लीजिए। हमारे स्टेट बोर्ड में जब कैलकुलेटर अलाउड है तो हम इजीली वी कैन डू दैट, कि इस तरफ हम क्या करेंगे 4.24 का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स अपॉन 0.1 माइनस एक्स, कितना मिलता है आपको इसका 2.06 एक्स अपॉन 0.1 माइनस एक्स, एंड इसको हम सामने लेके जाएंगे तो ये बनेगा 2.06 इंटू 0.1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो ये बनेगा 0.206 और सामने हो जाएगा 3.06 एक्स, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 0.206 अपॉन 3.06। कितना आंसर आपको मिला है यहाँ पे 0.07। आफ्टर फाइंडिंग दिस वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज ओवर हियर, 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स। तो इससे हमें पता चलता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO एंड H2O वो दोनों इक्वल थे। क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा था, मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO कितना है, H2O कितना है वो फाइंड करके दो। तो CO और H2O का कॉन्सेंट्रेशन था 0.1 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.067 विच बिकम्स 0.033 मोलारिटी। तो दो का कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल चुका है, उन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है 0.033। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन जो CO2 प्रोडक्ट है एंड H2 उन दोनों का भी इक्वल था, वो था x 0.067 मोलारिटी। ये मिलता है आपको आंसर, करेक्ट और नॉट, आई वांट यू टू राइट डाउन दिस। शांति से आप लिखोगे इसको, आपने ये क्वेश्चन लिख लिया, इसका आंसर लिखा। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में से। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7.8 दे रखा है, लेट्स रीड इट नाइसली ओवर हियर। दे सेड रिएक्शन बिटवीन N2 एंड O2 टेक्स प्लेस एज फॉलोइंग, दिस इज द रिएक्शन दे हैड गिवन। N2 गैस व्हेन रिएक्ट्स विद O2 इट गिव्स यू 2N2O। चलो ठीक है, ये रिएक्शन दे दिया आपको। इसके बाद देन दे आर सेइंग दैट If a mixture of 0.482 moles of nitrogen, that is this reactant, and 0.933 mole of O2, that is this reaction, आपको दो reactant का concentration दे दिए, is placed in a 10 liter of a reacting vessel, एक vessel के अंदर दिया, and allowed to form N2O, that is this product, at a temperature, and for this reaction they said very clearly, Kc is 2 × 10⁻³⁷। Now, एक चीज जरा देखो यहाँ पे 10⁻³⁷। ओके मैं आई थिंक सो आपको एक लेक्चर के अंदर पहले शुरुआत में बता रहा था, जब केसी की वैल्यू काफ़ी छोटी होती है, केसी की वैल्यू काफ़ी छोटी है, दैट मीन्स प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज वेरी लेस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना कम है उतना ओके फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम गया, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज वेरी लेस, दैट्स व्हाट वी नीड टू नो। ठीक है, वो ध्यान में देखेंगे। एंड देन दे सेड डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। नाउ ओके, हमें क्वेश्चन सिमिलर ही पूछा गया है जो हमने लास्ट टाइम किया, बट फर्क ये है कि उन्होंने खाली वर्ड्स अलग यूज किए। कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मतलब ये हुआ, एट इक्विलिब्रियम N2O2 एंड N2O कितना है। They started with two reactants and equilibrium पे reactant and product का concentration कितना, question वही दिया गया। But साथ में आपको एक चीज बताई गई, वो ये है कि ये बहुत छोटा है, मैं आपको उस पर emphasis किया। Okay, so शुरुआत हम कैसे करेंगे, obviously given reaction, reaction था आपके पास 2N2 gas plus O2 gas gives you 2N2O gas, ठीक है। They said initially आपको moles दिए गए थे, N2 के moles हमारे पास थे 0.482, जिसको मैं यहाँ पे लिखूंगा
एंड ओ टू के मोल थे 0.93 थे, मैं जिसको यहाँ पे लिखूँगा, इसके मोल थे 0.482 एंड ये थे 0.933, ये मोल्स में थे। एंड सिंस ये दोनों दिए गए तो ये कितने मोल्स थे, जीरो। बट याद रखना हम नॉर्मली मोल्स में डील नहीं करते हैं ये चैप्टर के अंदर, मोलारिटी में। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे एक और एक चीज दे रखी है दैट द जो कंटेनर में रिएक्शन किया गया उसका वॉल्यूम कितना दिया, 10 लीटर। तो बिकॉज ऑफ दैट हम क्या करेंगे, इनिशियली इसकी मोलारिटी कितनी है, मोलारिटी इज ऑलवेज मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सो इन दोनों को हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे 0.0482, और सिमिलरली इसको भी मैं 10 से डिवाइड करूंगा 0.0933 और ये है जीरो। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही करेंगे, ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम लेट्स से कि ये एक्स मोलारिटी यूज हुआ, जरा देखेंगे यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 2, देन व्हाट वी हैव टू टेक 2x यूज हुआ, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे x यूज हुआ, और यहाँ पे कोएफिशिएंट है आपके पास 2, दैट्स व्हाई दिस विल बी प्रोड्यूस एज 2x, आर यू गेटिंग दैट। सो ओके, एट इक्विलिब्रियम आपके पास बाकी कितना रह गया, एट इक्विलिब्रियम 0.0482 माइनस 2x, 0.0933 माइनस x एंड ये प्रोड्यूस हुआ 2x। ओके, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही हम कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे, दैट Kc इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज N2O, N2O के ऊपर हम डालेंगे यहाँ पे स्क्वायर बिकॉज उसका कोएफिशिएंट है 2। सिमिलरली रिएक्टेंट है आपके पास N2 एंड O2, बट N2 का कोएफिशिएंट 2 होने की वजह से N2 का स्क्वायर एंड O2। हम ये यहाँ पे ओके, हमें एट इक्विलिब्रियम वाली ये वैल्यूज यहाँ पे डालनी है, लेकिन ये वैल्यूज यहाँ पे डालने से पहले ये सब में हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, वो कौन सा है मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे जैसे ही मैं आपको न्यूमेरिकल समझाना चालू किया तो एक पॉइंट बताया था, एम्फेसिस किया था, सिंस ओके केसी की वैल्यू आपको दी गई है 2×10^-37, 2×10^-37 ही दी गई है, लेट्स जस्ट चेक इट, यस इट इज 2×10^-37 विच इज वेरी लेस। ओके, बीइंग वेरी स्मॉल वैल्यू, ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है आपके पास दैट इज एक्स, एक्स जो प्रोड्यूस हुआ ओके, वो बहुत ही छोटा होगा, प्रोडक्ट विल बी फॉर्म विच वेरी लेस, और उसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे देन एक्स विल बी मच मच लेस देन 0.0482। अगर एक्स 0.0482 से छोटा तो ऑब्वियसली 0.0933 से भी छोटा होगा, दोनों की कंपेरिजन में छोटा होगा। सो हेंस व्हाट वी कैन राइट, जो हमको यहाँ पे ये टर्म जो मिली हुई है दैट इज 0.0482 माइनस 2x, उसको हम इक्वल टू 0.0482 ही लिखेंगे क्योंकि एक्स वैल्यू बहुत छोटी है। ओके, सिमिलरली 0.0933 माइनस एक्स विल बी 0.0933 ही लिखेंगे इन दोनों जगह पे, और दैट इज इक्वल टू 0.0482 एंड दिस इज इक्वल टू 0.0933। इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये 2x ही रखेंगे, और ये वैल्यूज इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे N2 और O2 की। इसलिए जब हम कैसी फाइंड यहाँ पे x जब फाइंड करना है, कैसी हमें दे दिया गया है
तो उसको यूज करते हुए यहाँ पे मैं ये लिखूंगा कैसी की वैल्यू थी 2 × 10⁻³⁷. N2O जो प्रोड्यूस हुआ है 2x, उसको 2x ही रखूंगा मैं, 2x होल स्क्वायर. N2 जो था वो हम लिखेंगे 0.0482 एंड इसको लिखेंगे 0.0933. एंड इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे और 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 × 10⁻³⁷ 0.0482 0.0933 और ये बनेगा 4x². सो अगर हम इसको ऐसा करेंगे, 4 को भी यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो हमारे पास एक x² की वैल्यू बनेगी इसको 4 से डिवाइड करने के बाद. हैव यू डन दैट? कैन यू गेट मी दैट आंसर आफ्टर डूइंग दैट मल्टी? आपके पास आया है? अच्छा, यहाँ पे N2 का स्क्वायर है माफ करना, तो यहाँ पे स्क्वायर करना बाकी रह गया है, इसको भी स्क्वायर करना बाकी रह गया है. ओके, थैंक यू फॉर दैट. ओके, ये पूरा कैलकुलेट करके मुझे बराबर सही आंसर दो प्लीज. ओके, लेट्स सी समवन एल्स गेट द सेम आंसर. 1.082 × 10⁻⁴1. लेट्स सी. सो अगर हम स्क्वायर कर, इसका वैल्यू आता है 1.0837 × 10⁻⁴1. अभी स्क्वायर रूट करना है. स्क्वायर रूट करने के लिए याद रखना, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत गलती करते हैं. 10 का पावर हमेशा इवन होना चाहिए तो ही स्क्वायर रूट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो. तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको −42 कर देंगे और इसको लिखेंगे 10.837 × 10⁻⁴2. ये एक स्क्वायर है, देयरफॉर x की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट. अगर आपको केलसी अलाउड नहीं है जैसे कि एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर, तो केलसी की जगह पे यहाँ पे यूज करना चाहिए लॉग टेबल. आप लोगों को लॉग टेबल यूज करना चाहिए. ओके, कितना आ रहा है इसका स्क्वायर? 3.29 × 10⁻²⁻¹ मोलारिटी. कैन यू सी एज आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू कि एक्स की वैल्यू बहुत छोटी आएगी. 3.29 × 10⁻²⁻¹ बहुत छोटी है कंपेयर टू दिस, दैट्स व्हाई वी हैव निग्लेक्टेड इट. करेक्ट, बट एनी वे वी हैव टू राइट डाउन द ऑल आंसर्स. यहाँ पे उन्होंने पूछा था व्हाट शुड बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, तो N2 हमारे पास बच गया था 0.0482 मोलारिटी. ओके, O2 पूछा था, O2 कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 0.0933 मोलारिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O विच इज 2x विच इज 2 × x की वैल्यू मिली है हमें 3.29 × 10⁻²⁻¹. तो इट बिकम्स 6.58 × 10⁻²⁻¹ मोलारिटी. ये मिला आंसर.